सो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हो। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता आप बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हो और आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही, तो आज की इस वाली वीडियो में हर एक प्रॉब्लम आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक रिलेटेड दूर रहने वाली है। तो पहले बात करेंगे कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हो। नॉर्मली आपको क्या करना है, आपकी कोई भी वीडियो है आपको फिल्मोरा पे लेके जानी है, उसके नीचे मतलब आपको फिर से डबल क्लिक करके कोई भी आप ले लो, मतलब जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है एनसीएस की। या फिर वैसे आपको एक बात बता दूं गाइस, अगर आप कोई और भी म्यूजिक उठाओगे मतलब एनसीएस को छोड़ोगे तो आपकी कॉपीराइट क्लेम जाएंगे और आपके वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। और गाइस, अगर आप एनसीएस के म्यूजिक उठाओ जैसे कि नो कॉपीराइट सॉन्ग्स, मतलब मैं एक स्पेसिफिकली चैनल के बारे में नहीं बता रहा, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब के लिए, जिसमें एक ऑडियो लाइब्रेरी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उसकी सारी वीडियो देख सकते हो एंड आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहां से उठा देना, डाउनलोड कर लेना, आपके लिए और बहुत सारे ऐसे चैनल बने पड़े हैं जो कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, जरूरी नहीं एनसीएस का लगाना है। तो गाइस, अभी आपको एक म्यूजिक ले लेनी है और आपको अपने मतलब जो भी आपकी वीडियो रहेगी उसके नीचे में डाल देनी है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि हमें मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे से ज्यादा मेरी बैकग्राउंड की म्यूजिक सुनाई देगी तो भाई वो अजीब लगेगा। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक हमारी आवाज से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्मोरा पे ही आप उसको मतलब इससे आप क्या करो, आप लेफ्ट बटन को दबा के रखो एंड उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे कर दो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपकी डीबी यहाँ पे दिखाई देगी, आपको उसे गिरा दो, मतलब इतने गिरा देना जिससे आपकी कंफर्टेबल लगे सुनने में और आप जैसे कंफर्टेबल सुन पाओ। अगर गाइस आप अपनी वीडियो को हेडफोन वगैरह से एडिट करते हैं फिर उसे सुनते हो तो गाइस तो आपके लिए बहुत सही सा तरीका रहेगा। आप हेडफोन से आपको जैसे अच्छी लगी आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक और आपकी म्यूजिक की जो साउंड है वो दोनों मतलब नॉर्मल सी है, मतलब दोनों ठीक ठाक है, तो भाई आप वीडियो को निकाल सकते हो। अगर आपकी मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि भाई हमारी म्यूजिक कम हो गई, मतलब आपकी आवाज कम हो गई और बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा हो गई, तो आप उसको कम कर सकते हो। नॉर्मली आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप इसे नीचे में स्वाइप कर सकते हो एंड काफी सही सा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो एंड आप देख लो कि भाई आपकी आवाज और बैकग्राउंड की आवाज ऐसे मिल तो नहीं रही है। लाइक बैकग्राउंड की आवाज आपकी आवाज से बहुत कम होनी चाहिए, उससे आपकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, पर आपकी बैकग्राउंड की म्यूजिक ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सुनाई देगी। तो वो हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, हमारी आवाज को बढ़ानी है, ना कि बैकग्राउंड की आवाज को। बैकग्राउंड को हम घटा सकते हैं। तो गाइस कैसे लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, बाय बाय गाइस।